गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। थोड़ा सा मेरा सीक्वेंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है ड्यू टू सम रीजंस। मैं एकदम सीक्वेंस में नहीं बता पा रही हूँ और दो तीन मेरी मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है जितना प्रॉपर्ली होनी चाहिए थी सम रीजंस। तो अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा पीछे का लेते हैं जहाँ पर जिया मियाँ से मिलती है और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मियाँ, You are looking fabulous. So what's going on? Jia कहती है मियाँ को। तभी मियाँ उसको जवाब देते हुए कहती है, Jia, I'm really, really sorry. I know due to Ethan, Riddhi have to facing a lots of problem, but I am glad now she is okay. The thing is that you are the best buddy. I really like you. You are the awesome guy, which always take a care of Riddhi. You are the best friend. In future, I will get this type of friend. It's my good luck. So you are the amazing friend. तभी चिया वहाँ से कहती है कि I know I am amazing friend. I am very good friend. But to get a friend like you, it's my good opportunity. You know what? You go against your boyfriend. इट्स अ बिग थिंग, ये कोई भी नहीं करता है। तभी वहाँ से मियाँ कहती है, पता है मुझे कि यहाँ कोई भी नहीं करता है, पर मुझे तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा नेचर और तुम्हारी हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। काश अगर तुम सिंगल होती तो मैं भी तुमसे पट जाती। आई जस्ट वॉन्ट कि यू विल बी माई गर्लफ्रेंड, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती और ये मुझे बहुत बहुत अच्छी ज़्यादा और अमेजिंग फीलिंग देता। यू आर अमेजिंग जिया, यू आर द ऑसम पर्सन आई एवर मेट इन माई लाइफ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें जानना पहचानना मुझे अच्छा लगा है। तभी जिया कहती है कि हम हमेशा से दोस्त रहेंगे मियाँ, हम कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे पास इंस्टा आईडी है, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगी, बट हमें इंडिया जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो हमें रहना नहीं है, और आपको भी अपने साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा, लेकिन हम ऑलवेज इन अ कांटेक्ट। यू आर द बेस्ट फ्रेंड आई हैवर हैड। और ये बोलकर जिया जा ही रही रहती है, तभी मियाँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और सडनली से किस कर देती है। और जैसे ही वो उसे किस करती है, थोड़ा सा दूर होती है किस करने के बाद, और बोलती है कि यू आर द ऑसम आई नो, बट क्या कर सकते हैं, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ जिया, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने तुम्हें किस कर दिया बिकॉज तुम बहुत ऑसम हो और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और मुझे ये बात जब पता चली तो मैं तुम्हारी तरफ कब अट्रैक्ट होने लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो जिया, बट हम एक अच्छे दोस्त बन के रहना चाहेंगे। बट मैं जाने से पहले अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए वैसा फील करने लगी हूँ। आई मेरे को कभी किसी के लिए कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। यू आर द ओनली वन पर्सन जिसके लिए मैं ऐसा फील करने लगी हूँ। तुम बहुत अलग हो और बहुत नाइस हो एंड आई रियली लाइक इट। तभी वहाँ से जिया कहती है कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुमने अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया, क्योंकि पता नहीं फिर कब जाकर हमें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का मौका मिलेगा। आई एम अप्रिशिएटेड बट यू नो आई एम कमिटेड विथ रश्मि एंड आई मैटली लव हर, सो आई कांट बी विथ यू, बट आई विल बी ऑलवेज इन टच विथ यू। वेन एवर यू नीड मी आई एम बी योर फ्रेंड एंड आई ऑलरेडी हैव योर इंस्टा आईडी एवरीथिंग, वी कैन बी इन अ कॉन्टैक्ट। तो तभी मियाँ कहते हैं यस यस, एंड देन मियाँ उसे हक करती है और वहाँ से कैब आती है। कैब में जो पर्सन रहता है वो कहता है, मैम योर कैब इज़ ऑलरेडी रेडी, वुड यू लाइक टू गो। तो
वो कहती है कि यस आई विल। तभी जिया उसे पूछती वे आर यू गोइंग, तो कहती माई फ्लाइट टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका, आई एम गोइंग बैक। बट वॉट अबाउट एथन, तो कहती है एथन भी जा रहा है एंड थैंक्स टू रिद्धि उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस करी, और तो मैं नहीं चाहती कि हमें यहाँ पर बहुत टाइम तक स्टे करेंगे तो प्रॉब्लम हो और कोई भी इशू क्रिएट हो। हम ये चाहते हैं कि हम घर जाएं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो बाय बाय जिया, यू आर द बेस्ट बडी एंड आई लव यू। तभी जो जिया रहती है वो हक करती है मियाँ को और बहुत टाइटली हक करती है। वहाँ से रश्मि दूर से देख रही रहती है, रश्मि ने वो किस होते हुए भी देखा था, बट वो कुछ नहीं कहती है। फिर यहाँ से जब मियाँ चली जाती है तब रश्मि पे नज़र जाती है जिया की। जैसे जिया की नज़र जाती है, जिया तो फर्स्ट टाइम पहले से डर जाती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी की चोरी पकड़ी गई हो या फिर कोई एक शेरनी सामने आके खड़ी हो गई हो, वैसी हालत हो जाती है जिया की। तो जिया एकदम से हड़बड़ाहट में एक कुर्सी से टच हो जाती है। फिर वो अपने खड़ी होती है, खड़े होकर बोलती है रश्मि इट्स यू, सुनो सुनो मेरी कोई गलती नहीं है रश्मि रश्मि। तभी रश्मि उसके बहुत करीब आती है और उसे टाइटली हक करके बोलती है, उसे कानों पे करीब आके बोलती है आई नो बेबी, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ और मुझे सब दिखाई देता है एंड आई हैविंग अ फुल ट्रस्ट ऑन यू, डोंट वरी। चलो मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी कि तुम इतना सारा खाना कैसे उठा के ले जाओगी, चलते हैं। तो कहती कि हाँ बट इतना नहीं था, मैं ले जा सकती थी। तो कहती पर इसी बहाने पता तो चला तो मैं देखती कैसे। ये बात भी सही है। ओके अच्छा, वो पैक हो चुका है, खाना लेके जाते हैं। जैसे ये लोग खाना लेकर जाते हैं ऊपर वहाँ पर होती है, तो रिद्धि की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही रहती है। एक्चुअली रिद्धि थोड़ी सी डर चुकी रहती है क्योंकि उसके साथ फर्स्ट टाइम हुआ रहता है, और देखा जाए तो अगर किसी के साथ भी कभी भी कुछ ऐसी हरकत हो तो इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो ही चुका रहता है, तो वो डर रही रहती है। बट वो थोड़ा सा यू नो अनईजी फील कर रही रहती है, बेड पे बैठी रहती है, कुछ अपने हाथ के मूवमेंट्स कर रही रहती है। जैसे जब इंसान पैनिक होता है तो हाथ के मूवमेंट्स करने लगता है, लेकिन वो पैर थपथपा रही रहती है। उसी देर में रश्मि आती है और रश्मि को उसका ये तरीका पहले से पता रहता है, क्योंकि जब रश्मि छोटी थी और रिद्धि की मॉम चली गई थी तो रश्मि ने हैंडल किया था, तो रश्मि इस नोस की जब कब रिद्धि को डर लगता है। तो एकदम से रश्मि साइड में आती है और उसको हक करती है, बोलती है एवरीथिंग विल बी फाइन बेबी बेबी, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं हूँ ना यहाँ पर। और जो रिद्धि है वो बहुत टाइटली हक करती है रश्मि को और छोड़ती नहीं है उसे। तो एकदम से कायरा जिया मैम की तरफ से कि बोलती क्या हुआ ये, तो कहती हैं मुझे क्या पता, आप बैठे थे ना यहाँ पर, क्या हुआ। तो वो कहती कुछ नहीं, रिद्धि तो ठीक थी, मुझे नहीं पता, पर रश्मि मैम जैसी आई उन्होंने हक किया और कहा एवरीथिंग विल बी फाइन, तो वो हक करने लग गई, मुझे नहीं आया समझ में। तो कहती हैं वो तो यही बताएगी रश्मि, मुझे भी नहीं पता। तो बहुत प्यार से हक करने के बाद उसके थोड़े से मतलब सिर पे थपथपी करने के बाद उसे आराम से लेटा कर वो वहाँ से सूप निकालती है, उसे सूप पिलाती है, और बहुत केयरिंग नेचर होता है रश्मि का। रश्मि ने ना लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार किया था तो अपने मॉम डैड के बाद उसने रिद्धि से प्यार किया है और रिद्धि के बाद जिया है, क्योंकि रश्मि सबसे ज़्यादा क्लोज रिद्धि के है, रिद्धि सबसे ज़्यादा क्लोज रश्मि के है, जिया उसकी लाइफ पार्टनर है, बट पहले तो फर्स्ट कम फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप में सबसे ज़्यादा केयरिंग नेचर रहती है। थोड़ी देर रिद्धि को खाना खिलाने के बाद, उसे मेडिसिन देने के बाद वो सो जाते हैं। फिर ये लोग वहाँ पर जो डाइनिंग टेबल रहती है वहाँ बैठ के सब कर रहे रहते हैं। तभी कायरा पूछती है वो आपने आके एकदम से हक किया रिद्धि मैम को और कहा समथिंग इज़ फाइन, तो क्या हुआ था उनको। तभी रश्मि कहती है वो पैनिक हो रही थी, वो डर रही थी, इसलिए मैंने उसे हक किया। तो जिया कहती तुम्हें कैसे पता, तो कहती है कि रिद्धि की बचपन की आदत है, जब मॉम चली गई थी रिद्धि की तो वो हर दिन डरती थी, और जब वो डरती थी तो अपने जो पैर है उसे थपथपाती थी, मतलब पैर थपथपाने लगती थी, उसकी बॉडी थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करती थी। जब वो काम और कूल होती है तो देखना उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो शांत रहती है, लेकिन आज वो नहीं थी,
वो कहीं ना कहीं एथन वाले इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इससे पहले कि उसकी और कंडीशन ख़राब हो या उसे हर पल डर लगे, हमें निकलना चाहिए। तो कहती है कि हाँ, मैंने तो बोला है कल की फ़्लाइट से हम निकल जाएंगे। तो कहती है हाँ ठीक है, तो आज कायरा, इफ़ यू डोंट माइंड, आई वॉन्ट टू स्टे विद रिद्धि, तुम जिया के साथ रहोगी आज। तो पहले तो कायरा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से क्यों दूर कर रहे हो। फिर जिया उसका हाथ पकड़ के बोलती है कायरा का, और कहती है कि कायरा, यस यू हैव टू स्टे विथ मी, आज रिद्धि ही को संभालने के लिए उसके पापा भी नहीं है, और रिद्धि को कोई हैंडल नहीं कर सकता सिवाय रश्मि के। रश्मि नोज हाउ टू हैंडल हर, एंड दे आर फ्रॉम चाइल्डहुड। तभी कायरा एकदम से क्वेश्चन करके बोलती है, जिया मैम, आप भी तो बचपन से हो ना उनके साथ, तो आप भी तो हैंडल कर सकते हो। तभी जिया हंसते हुए बोलती है, मैं और हैंडल, मैं इतनी क्लोज नहीं हूँ जिया के। देखो, फ्रेंड्स होते हैं, पर एक बेस्ट फ्रेंड होता है, बाकी फ्रेंड होते हैं। जो एक बेस्ट फ्रेंड है वो रश्मि ही है, और रश्मि की जगह कोई नहीं ले सकता रिद्धि की लाइफ में। और मैं हूँ दोस्त, पर इतनी क्लोज नहीं हूँ। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मेरी सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त थी प्राजक्ता, तो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड प्राजक्ता है। तो रश्मि कहती है, हाँ ये प्राजक्ता के साथ ही लगी रहती थी और मैं रिद्धि के साथ। तो हम लोग का ग्रुप था 4 गर्ल्स का, लेकिन प्राजक्ता इज जस्ट अ माई बेस्ट फ्रेंड। वो कहाँ पर है? तो तभी रश्मि और जिया एक दूसरे की तरफ देखते और हंसते हैं, बोलते हैं, प्राजक्ता प्राजक्ता USA में है, आई मीन लाइक शी इज इन हेयर ओनली, बट हम कैनेडा सिटी में हैं, वो कहीं और है। तो पर वो प्योर अमेरिका USA में है। तो कहती है, अच्छा तो वो क्या कर रही है? तो कहती है, वो बच्चे संभाल रही है, उसके 2 किड्स हैं अभी, एक 4 साल का है ना और एक 2 साल की है, एक 4 और 2 साल के उसके बच्चे हैं, वो संभाल रही है। तो उनकी शादी जल्दी हो गई थी? तो कहती, उसकी शादी जल्दी नहीं हुई थी, उसे खुद शादी जल्दी करनी थी। वो 19 ईयर्स से चला रही थी कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। तो फिर क्या, जब वो 20 ईयर्स की हुई तब उसकी शादी करा दी उसकी फैमिली वालों ने, और दैट गाय वॉज एन आ रहा है। तो वो अच्छी खासी सेटल रही USA में। हाँ, मेरा कांटेक्ट होता है, आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बात करती हूँ कॉल पे, मीन्स लाइक वीडियो चैट्स होती है हमारे बीच में, सब कुछ होता है। सो इट्स जस्ट लाइक कि कोई फ्रेंड्स तो होते हैं बट बेस्ट फ्रेंड एक होता है। तो मैं प्राजक्ता की सारी चीज़ें जानती हूँ कि कब वो अपसेट होती है, कब वो उसको बुरा लगता है, कब उसको क्या होता है, बट आई डोंट नो अबाउट रिद्धि। रिद्धि के बारे में सिर्फ और सिर्फ रश्मि जानती है। तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम दोनों रिद्धि को हैंडल करें और उतने कैपेबल बने, तो अभी आप मेरे साथ स्टे करेंगी। तो कहती है ठीक है। तो ऐसे ये लोग का डिनर ख़त्म होता है, फिर ये लोग स्टे करने चले जाते हैं। रात भर जो रश्मि रहती है वो रिद्धि को आराम से अपने कंधे पर हक करके सोती है। थोड़े थोड़े टाइम में अगर वो पैनिक होती है तो फिर उसे वो मेडिसिन्स के साथ कंसोल करके देती है। एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही हो और सडनली से एकदम से ये इंसिडेंट हो जाए। हर एक गर्ल की लाइफ में किसी के साथ जबरदस्ती होना या अटेम्प्ट टू रेप होना बहुत गलत होता है, वो कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ के रख देता है। तो वही होता है, द गर्ल हु फेस इट नोज हाउ इट्स डिफिकल्ट। तो रिद्धि ने भी वो फेस किया रहता है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हो जाती है तो सब के सब फ्री हो जाते हैं। सब जैसे ही सुबह उठते हैं, रिद्धि को वो आराम से मेडिसिन देती है, हर एक चीज़ करती है और तैयार करती है। तैयार करके ये लोग अपने फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट चले जाते हैं, और करीब 2 या 3 घंटे के बाद ये लोग फ्लाइट्स ले लेते हैं। फ्लाइट लेने के बाद जो रश्मि है वो आज रिद्धि के पास ही बैठी रहती थी। याद है कि जब ये टूर स्टार्ट हुआ था तो तब रश्मि जिया बैठे थे और रिद्धि और कायरा बैठे थे। दोनों ने बहुत लवी लवी मोमेंट्स अपने फ्लाइट में करे थे, तो जिया को बहुत याद आ रही थी वो फ्लाइट से मोमेंट्स देख के। तो जिया अपना फेस टर्न कर करके रश्मि की तरफ देख रही थी, और रश्मि
हंस रही थी क्योंकि जो तड़प होती है किसी के प्यार के इस फेस पे, वो तड़प देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो रश्मि को तो बहुत मजा आ रहा था ये तड़प देखते हुए, तो देख के स्माइल कर रही थी और फिर वो रिद्धि की तरफ देख रही थी। वो रिद्धि का हाथ पकड़ के उसे कंसोल कर रही थी बहुत अच्छे से, पर थोड़ी देर में इशारा करती है जिया की वॉशरूम प्लीज। तो रश्मि कहती है नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती प्लीज। तो रश्मि का दिल तो हाय अपनी महबूबा के लिए ऐसे हो जाता है, तो कहती ओके। तो पहले जिया बोलती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, तुम ध्यान रखना। तो कहती किसका, सामान का या किसका? तो कहती रिद्धि का। तो कहती अरे रिद्धि मैम के पास तो रश्मि मैम है ना। तो कहती है कि हम दोनों को वॉशरूम जाना है ना, तो आप ना ध्यान रखिएगा, रिद्धि के पास चले जाइए। तो कहती ओके ओके जाओ जाओ जल्दी जाओ। कायरा के लिए तो जैसे एक होता है ना कि उसे बहुत मतलब अच्छा सा सुकून मिल गया क्योंकि वो भी बहुत बोर हो रही थी। तो थोड़ी देर में जो पहले जिया जाती है, फिर उसके 5 या 5 से 7 मिनट के बाद रश्मि भी चली जाती है और वो एकदम से गेट खोलती है और उसे अपने अंदर बुलाती है। जैसे ही अंदर बुलाती है तो कायरा अपनी सीट से उठकर वहां जाती है, रिद्धि के पास बैठ जाती है। रिद्धि को जब वो देखती है तो रिद्धि की मतलब उसकी ऐसी कंडीशन देख के मीन्स वो डरी और सहमी हुई सी, जो द मोस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड वाली है। वो आज थोड़ी सी अपसेट वगैरह थी तो ये चीज़ उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो हाथ पकड़ती है, तभी जो रिद्धि है उसे प्यार से देखती है और कायरा को भी उसके ऊपर प्यार दिखता है। तो कायरा उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे अपने शोल्डर पे रखती है। थोड़ी देर तक ऐसी दोनों बहुत प्यार से बैठे रहते हैं। वहां जैसी रश्मि रहती है, वो बोलती है क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तो कहती बेबी वो याद है ना आते टाइम फ्लाइट में हमने कुछ किया था। तो रश्मि बोलती है हाँ याद है, बट जाते टाइम भी करें कि ये कहाँ गारंटी थी। तो कहती देखो गारंटी तो लाइफ की भी नहीं है बेबी, आज है कल नहीं वाला किस्सा, तो जस्ट हैव सम टाइम एंड सम क्वालिटी टाइम। और हम यहाँ पे मेमोरीज ही तो बना रहे हैं, कल जाके हमारे जो बच्चे होंगे तो हम उन्हें बताएंगे ना कि उनकी मॉम कितनी रॉकिंग थी। तो मतलब बच्चों के लिए आपको ये मोमेंट्स करने हैं। तो कहती है हाँ हाँ मतलब मोमेंट्स बनाएंगे और फिर बताएंगे ना कि बच्चे कितने बच्चों को कि उनकी जिया मम्मी कितनी औसम है। बस रश्मि मम्मी थोड़ी सी बोरिंग है, मैं बोरिंग हूँ, यू जस्ट सेइंग दैट आई एम बोरिंग। हाँ हाँ बहुत बोरिंग हो, तुम्हें कुछ आता ही कहाँ है, तुमसे कुछ होता ही कहाँ है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। तो कहती अच्छा तो आपको आता है? तो कहती है कि हाँ आई एम ट्रेंड बेबी आई एम ट्रेंड आई नो हाउ टू डू इट, बट आपको नहीं आता ना तो क्या करें। तो कहती ओके मैं जा रही हूँ मुझे नहीं आता। तो अभी रिया एकदम से हाथ पकड़ के बोलती अरे ये क्या बात हुई, तो आप सीख भी तो सकते हो? तो कहती ओ पर मुझे सीखना ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है, मुझको पता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है ना, तो मैं तो जाती हूँ। तो तभी वो जारी रहती है, वो एकदम से अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है। तो थोड़ी देर तक किस करती रहती है, फिर एकदम से जो दूर होके बोलती है क्या है ये बदतमीजी? तो कहती है पीपी मैं तो ये सब ये बोला था कि उल्टा तुम मुझ पे चढ़ोगी, तुम तो गुस्सा होकर जा रही हो, ये क्या बात हुई रश्मि? जिया कहती है तभी रश्मि कहती है बातों को तो मैं बहुत पहले से समझ गई थी आपकी, लेकिन वो क्या है ना आप भूल गए कि अगर आप शेरनी हो तो आपके ऊपर सवा शेरनी भी तो हूं मैं ही हूँ। तो कहती अच्छा तो बताओ ना कैसे करोगी, बता दो ना प्लीज बताओ ना। तो एकदम से आती है और उसे किस करने लग जाती है। फिर रश्मि भी बहुत डीपली उसे किस करती है, मतलब अपर लिप्स लोअर लिप बहुत डीपली, दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर ये लोग किस ही करते हैं, बस थोड़ी देर में वो लोग यहाँ से जाते हैं। तो जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि कायरा और रिद्धि एक दूसरे को हक करके काफी अच्छे से सो रहे हैं। तो रश्मि को अच्छा नहीं लगता है कि वो उठाए कायरा को, और दे आर द कपल्स दे नीड अ टाइम। तो वो दोनों अपने मतलब जो वहाँ सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। फ्लाइट्स टेक ऑफ हो चुकी रहती है, तो करीब
थोड़े टाइम के बाद, मतलब कुछ अराउंड 1 डेज के बाद ये जो लैंड करते, जैसे ही ये लैंड करते तो जो रश्मि रहती है उसे अपने भाई को बोला रहता है कि आकर हमें पिकअप करके ले जाए, क्योंकि उस समय ऐसा टाइम रहता है कि अंकल को डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता है। तो वहाँ से उसके भाई आता है रश्मि का, जैसे ही उसका भाई आता है वो कार लेकर आता है और कार में बिठाता है और पूछता है और कैसी रही तुम लोगों की ट्रिप, मज़ा आया कि नहीं। तो कहते कि हाँ बहुत मज़ा आया। रिद्धि बहुत साइलेंट रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तो और वो जो उसका भाई रहता है रश्मि का, वो रिद्धि को पहले से ही लाइक करता था। तो रिद्धि की तरफ बोलता है, रिद्धि आपको मज़ा नहीं आया? तो रिद्धि बोलती है आया, अच्छा था टूर, आप तो जीत कर आए हो ना। तो वो कहती हूँ, कहते वाओ ट्रॉफी, अब तो पार्टी वार्टी दोगे ना आप हमें? तो कहती हैं पार्टी दूंगी मैं, जल्दी दूंगी। तो वो बहुत काम और कूल तरीके से होती है। ये नेचर देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो चुके रहते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो डिस्टर्ब थी पर अभी तक वो नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि वंस यू एंटर योर होम यू फील सिक्योर्ड। हम जब दूसरे की कंट्री में थे हम बहुत अनसिक्योर्ड फील कर रहे थे, हमें डर लग रहा था कि कौन कैसा है क्या करेगा, बट जब हम अपनी खुद की कंट्री में आए हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड फील हुआ। यही होता है जब रश्मि और रिद्धि अपने घर आती हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। रिद्धि रश्मि को बोलती है कि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ, तू टेंशन ना ले मैं हैंडल कर लूँगी। तो कहती है कि यार तू सडनली से चेंज कैसे हो गई? तो कहती चेंज नहीं यार, जब अपने घर पे आते हैं ना तो हम सिक्योर्ड रहते हैं और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे कैसी है, इतने साल बिताए मैं ठीक हूँ। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। तो पहले जो उसका जो भाई रहता है वो रिद्धि को घर छोड़ता है, रिद्धि के बाद कायरा को, कायरा के बाद ये दोनों को वो अपने घर लेके चला जाता है। तो तभी रश्मि कहती है कि अरे तू मुझे फ्लैट पे छोड़ना। तो कहता है कि नहीं नहीं मम्मी ने तुम दोनों को घर पे बुलाया, तुम दोनों चल रहे हो। तो जिया कहती है कि अब कौन सा बम फूटेगा, अभी तो आए हैं, अभी नहीं अभी नहीं, अभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। तो रश्मि कहती है कि मुझे क्या पता क्या फूटेगा, मैं क्या आपसे पहले से जानती हूँ। कहती है आपकी मम्मी ने बुलाया, मेरी मम्मी ने नहीं। तो कहती है हाँ तो आपकी मम्मी भी कुछ लगती है आप, हाँ तो मेरी मम्मी भी आपकी कुछ लगती हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो कहते मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ? ओ तो कैसे कैसे बोलूँ मैं? अरे तो यार तुम क्या बोले जा रही हो? तो कहते तभी उसका भाई बोलता तुम दोनों लड़ना झगड़ना बंद करोगे, चलो चुपचाप। फिर जैसे ये लोग पहुँचते हैं उतरते हैं तो वहाँ पर ना मम्मी उसका वेलकम करती है, रश्मि ये तुम जीत कर आई हो, तुम थर्ड आई हो, बहुत बड़ी बात है। रिद्धि कहाँ है? रिद्धि को नहीं लेकर आया उसका, बोलते वो कहते कि नहीं वो घर चली गई है, उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, रश्मि कहती है। तो कहती चलो तुम दोनों अंदर जाते हैं। तो एक छोटी सी वार्म पार्टी जो होती है ना, मतलब पूरे घर के मेंबर्स रहते हैं, जिया की मॉम डैड सब रहते हैं, बहुत छोटी सी पार्टी रहती है और सब डेकोरेट किया रहता है, बहुत प्यारा डेकोरेट किया रहता है और बोला जाता है वेलकम रश्मि जीत कर आई है, क्योंकि वो इंटर पेपर कॉम्पिटिशन जो था वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड था और उसमें थर्ड पोजीशन लाना कोई छोटी बात तो थी नहीं। तो उसके लिए उसकी फैमिली, गुजराती फैमिली इतने अच्छे से वेलकम करती है और सब केक वेक आता है, केक काटती है। तभी वो बोलते कि अगर ये था तो जिया रिद्धि को भी बुलाना था ना मैम, मम्मा मुझसे ज़्यादा डिजर्व तो रिद्धि करती है। तो कहती है कि हमने तो दोनों को बुलाया था, ये छोड़कर क्यों आया? तो ये कहता है इसने हमें बताया ही नहीं। तो तभी उसका भाई कहता है आपने कब बोला था कि रिद्धि को लेकर आना? आपने बोला था इन दोनों को लेकर आना, मैं ले आया, अब मुझे पता होता तो। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि तभी तेरे में दिमाग कम है ना, हाँ जब पता है दोनों बेटियाँ हैं हमारी, वो जीत कर आई हैं तो यही करना था ना, कैसे लोगे? तो कहती है नहीं मम्मा रिद्धि को तो मैं आराम से हैंडल कर लूँगी। कहती है रिद्धि के लिए भी पार्टी रखी जाइए, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं हाँ अम्मा लेकिन एक दो दिन के बाद रखना रिद्धि के लिए, वो थोड़ा सा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो फूड पॉइजन हो गया था, वो एडमिट थी, रश्मि कहती है। तो तभी जिया कहते हैं कि हाँ मम्मा वो थोड़े टाइम के बाद उसके लिए। तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम लोग करो। यहाँ पर जैसे रिद्धि अपने घर जाती है तो आराम से घर पर जाती है, थोड़ी देर बैठती है अपने रूम पर बैठती है
और कहीं ना कहीं उसे उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल तो रही रहती है, तो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, बट वो खुद को हैंडल कर लेती है। थोड़े टाइम के बाद उसके डैड, जो दोपहर का जो शाम के टाइम उसके डैड आ चुके रहते हैं, जैसे उसके डैड आते हैं वो अपने डैड को हग करती है, और बहुत टाइटली हग करती है रिद्धि, जैसे उसके डैड के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वैसे, और हग करके थोड़ा सा उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे रहते हैं। तभी उसके डैड बोलते, बेटा क्या हो गया है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, तुम तो जीत कर आई हो तो क्यों रो रही हो। तो वो कुछ नहीं बोलती, बस अपने डैड को हग कर ही रहती है। उसके पापा को कुछ ठीक नहीं लगता उसका इस तरीके से हग करना, क्योंकि वो डरी हुई सहमी सी हग करी हुई रहती है। थोड़ी देर तक उसके पापा उसको हग करते हैं, फिर उसे सोफे पे बिठाते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वो जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, पिलाते हैं, और तभी वो हग करी रहती है और कहती है, पापा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तो उसे पापा बोलते, नहीं बेटा मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर हूँ, आपको क्या हुआ है, मेरे बच्चे को क्या हो गया है बेटा। तो वो कोई कहती, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही आप मुझे हक करके रहो ना, मुझे आज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो उसे हक कर देते। थोड़ी देर में जो रिद्धि रहती है वो उसके साथ, पापा के साथ उसी के बेडरूम पर रहती है, थोड़ी देर तक हक करे हुए रहती है, अपने पापा को बहुत क्लोज कर रहती है, और वो सो जाती है। जैसे ही वो सो जाती है तो उसके पापा रश्मि को कॉल करते हैं, क्योंकि रश्मि और जिया को ही सब कुछ पता रहता है। तो रश्मि को बोलते हैं कि रिद्धि के साथ कुछ हुआ है क्या। तो वहाँ से डर जाती है रश्मि, और रश्मि बोलती है, अंकल वो कुछ बोला है क्या रिद्धि ने आपको। तो वो कहते हैं कि तुम घबरा रही हो, उसका मतलब कुछ हुआ है। नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, पर वो जिस तरीके से डरी हुई सहमी हुई सी है, क्या हुआ है उसके साथ मुझे बताओगे। तो कहते हैं, नहीं अंकल कुछ नहीं हुआ, वो बस फूड पॉइजन हो गया था। तो तभी रश्मि को एकदम से बोलती है, बेटा तुम्हें मेरी कसम, तुम अगर मुझे अपना पापा मानती हो तो बताओ क्या हुआ है। तो वो कहती है कि अंकल कसम ना दीजिए ना प्लीज। तो कहते हैं, नहीं बेटा सच सच बताओ। तो तब रश्मि उन्हें सब कुछ बता दी है कि कनाडा में कैसे वो एथन से मिले, एथन ने रिद्धि के साथ जो हरकतें करी वो सब बताई, और वो बताने के बाद उसके जो पापा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें बबूला हो जाती हैं, एकदम गुस्से वाला मूड हो जाता है। और वो कहते हैं कि तो तुमने छोड़ कैसे दिया उन लोगों को। तो कहते हैं कि अंकल हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया वापस आना था, अगर उस केस में उलझ जाते तो पूरा का पूरा हमारा 1 या 1.5 महीना वहीं चले जाता, और रिद्धि की कंडीशन सही नहीं थी अंकल। तो कहते हैं, तो वो लड़का को तुम छोड़ कैसे सकते हो यार, कोई किसी के साथ ऐसे कर रहा है। तो कहते हैं, रिद्धि का फैसला था अंकल, मैं क्या करती। रिद्धि ने बोला, उसे नहीं रहना है, उसे बस और बस घर जाना है अपने पापा के पास। तो कहते हैं, ठीक है मैं हैंडल करता हूँ अपनी बेटी को। और ऐसे करके पहले तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, तो गुस्से गुस्से में वो घर का एक चीज उठा के फेंक देते हैं, मतलब एकदम से जो हाथ में जो उनके आता है वो उठाकर फेंक देते हैं। थोड़ी देर में रिद्धि की नींद एकदम से टूटती है, इतनी जम के आवाज आती है। तो रिद्धि बाहर आकर बोलती है, पापा क्या हो गया है। तो उसे पापा बोलते हैं कि क्या हो गया है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी है, और तुम मुझसे पूछिए कि क्या हो गया है। तभी वो अपनी आंखें नीचे झुकाकर बोलती है, पापा मैं आपको टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। तो वो बोलते, क्या टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, मेरी जिंदगी में और कौन है ये बताओ, सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, मम्मी तुम्हारी माँ मुझे कब का छोड़ के चली गई है, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता रिद्धि तो। और वो सब तो ठीक है, बट तुम्हारे साथ जिसने किया तुमने उसे जाने दिया। कहते पापा वो अट्रैक्टिव था मेरे प्रति, उसे बस अट्रैक्शन था, वो दिल का बुरा नहीं है। कभी कभार हम किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर सामने वाला कोई मना कर देता है तो वो पजेसिव नेचर, ऑब्सेशन के चक्कर में उसने मेरे साथ ये सब किया। और मैं उसका करियर खराब नहीं करना चाहती थी कि एक टैग लग जाए और जिंदगी, और वो जो कर रहा था तुम्हारे साथ उससे तुम्हारी तबीयत और तुम्हारा करियर खराब नहीं होता। तो वो कहती है, पापा हो जाता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता,
पर पापा आप ही ने तो सिखाया है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करने की जरूरत नहीं है ना। मैं भी उसके जैसी बुरी तो नहीं बन सकती हूँ ना पापा। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया, पर मुझे सिर्फ इतना पर समझ में आया है कि एट प्रेजेंट मुझे बस यहाँ आना था पापा, मुझे नहीं रहना कहीं। तो वो उसके पापा को जैसे ही वो रोने लगती है तो उसके पापा आके हक करते, कहते ओके ओके कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम आ गई हो ना यहाँ पर, आके उसे हक करते। वो बहुत देर तक रोती है, उसके पापा उसे रोने देते क्योंकि सबको पता रहता है कि ऐसी सिचुएशन में रोना देना ही ज़्यादा बेटर है। जब वो रो के थोड़ा शांत हो जाती है तो उसे आराम से सुलाते हैं। पूरी रात ऐसी बीत जाती है और जब वो मॉर्निंग में सुबह उठती है तो वो थोड़ा बेटर फील करती है अपने डैड। फिर वो बोलती है कि पापा मैं कॉलेज जाऊंगी, पर कॉलेज जाते टाइम भी उन्हें कुछ नहीं होती। फिर जो जिया रहती है और रश्मि रहते हैं वो भी आ जाते हैं घर पर मॉर्निंग में, और जैसे ही मॉर्निंग में आते हैं तब अंकल से बात बात करते हैं। तो अंकल को भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती, वो कहते कि तुम्हें भेजा था ढंग से, तुम लोग क्या करके आए हो। तो कहते कि अंकल वो सॉरी सॉरी, वो सारी सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो कहते हैं ठीक है, तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।